बस भर के करीब 57 से 60 लोग गोरखपुर से महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए ये लोग आए हैं। अभी मेरे घर के सामने रुके हुए हैं और इनकी जो बस गोरखपुर से आ रही है जैन रोड बदनावर रोड पे लोग आए हुए हैं और ये महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं। मुझे हाथ भी जा रहे हैं। 62 लोगों की टीम है जो महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं। भाई श्रद्धा तो होनी चाहिए सनातन धर्म में। जय श्री महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। और कहाँ से आ रहे हो आप लोग? उत्तर प्रदेश। कहाँ से? गोरखपुर से। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ जा रही है बस? ये ऑल इंडिया टूर है। अच्छा, ऑल इंडिया टूर है क्या? मेरे क्या, अच्छा मेरे क्या यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनते हैं तो मैंने बस रुकी तो मैं आया वीडियो बनाने के लिए। क्या चीज़ है ये? वो है ऑलिव ऑयल बोलते हैं ना उसको, ऑलिव ऑयल नहीं, आमला नहीं, ऑलिव ऑयल है। आप लोग सब क्या गोरखपुर से आए हो महाकाल दर्शन के लिए? तो कितने लोग हैं टोटल आप लोग? 52 आदमी है। अभी तो रोड बहुत खराब हो रहा है क्योंकि रोड क्या बन रहा है ना, अभी इस तरफ से रोड पीछे 4 लाइन सीधे ऊंचे नहीं गया है, बाकी क्या बहुत अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, 4 लेन बन रहा है, वो बहुत खराब हो रहा है रोड। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है ये वाला, सही है रोड? हाँ नहीं, ये तो सही है, आगे तक जाएगा, उसके बाद फिर 4 लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो फिर वो खराब रोड आएगा थोड़ा। 60 किलोमीटर है? हाँ 60 किलोमीटर। अभी भी मतलब बस से आपको 2 घंटे लगेगा, बाकी यूँ 2 घंटा नहीं लगता है, 40-50 मिनट लगता है, बाकी वो रोड की वजह से धीरे चलना पड़ेगा। और फिर किधर? अच्छा पूरे भारत का टूर है? अच्छा अच्छा, नहाना आप लोगों को? अच्छा अच्छा अच्छा, तो नहाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मोटर चालू कर सकता हूँ, आप लोग नहा सकते हैं? अच्छा 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 अच्छा, नहीं अब वो ही चल रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, नहाने का कोई समस्या नहीं है, बाकी अगर आप लोग महाकाल जा रहे हैं तो वहाँ शिप्रा नदी में ही नहाइए, शिप्रा नदी में ही नहाना सही है, राम घाट पे जाके नहाइए उसके बाद दर्शन कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे नहा के मत जाइए, है ना? कहीं राम घाट पे सभी स्नान करते हैं शिप्रा नदी में, शिप्रा नदी मतलब भगवान श्री कृष्ण ने शिप्रा नदी में स्नान किया था, वही है वो शिप्रा नदी। वहाँ पे आप महाकालेश्वर के बाद में संदीपनी आश्रम भी जाइएगा जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने प्राथमिक शिक्षा ली थी। हाँ संदीपनी आश्रम है वहाँ पे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा ली, वहाँ से मुश्किल से 15-20 मिनट, वही उज्जैन के अंदर ही है। हाँ उज्जैन में ही है संदीपनी आश्रम, फिर मंगल मंदिर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, जाइएगा, है ना? चलिए जय श्री महाकाल बोलिए, जय श्री महाकाल, जय श्री